शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मुझे भी कभी कभी शक होता है। शक होता है? इलिया! इलिया! अब भाग कर कहाँ जाएगा? नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ता। हाँ हाँ मैं बंदर हूँ, नहीं छोड़ता। हाँ हाँ मैं बंदर हूँ। आका बड़ी मुश्किल से हाथ है, मुझे मालूम दौड़ाया। क्यों बेटा, मैनुअल सच कहता है? हाँ बाबा। बुरी बात है, अब तुम बड़े हो गए हो। बड़े बच्चे रास्ते में नहीं खेलते। अब भी नहीं खेलते थे? कभी नहीं, जब मैं तुम्हारे जितना था कभी रास्ते में नहीं खेलता था। अच्छा बाबा, फिर मैं भी नहीं खेलूंगा। शाबाश, कितना अच्छा है मेरा बेटा, है ना मैनुअल? हाँ आका। बाबा मैनुअल से बात ना कीजिए। क्यों?
कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा बेटा, कभी नहीं करूंगा। देखो मैं एक मिस्री सौदागर से मुलाकात करने जा रहा हूँ, बहुत जल्द वापिस आ जाऊंगा बेटे। बाबा मेरे लिए खिलौना लाना, लाएंगे ना? जरूर लाऊंगा बेटे, जरूर लाऊंगा। इलिया, या खुदा ये बदशुक्री क्यों? होशियार, होशियार, मुख्तार आलम, आला हजरत, रुतस तशरीफ ला रहे हैं। हटो, हटो। ये रहा एक मनहूस, भाग यहाँ से। अरे ये तो पागल है। पागल कौन है, खुदा बेहतर जानता है। चलो। आला हजरत जख्मी हो गए। किसने पत्थर मारा? कहाँ से पत्थर आया? तो ये था वो सपोला जिसने दाढ़ होने से पहले ही काटना शुरू कर दिया। इलिया, इलिया, ये बच्चा देखना है, बेखता है। हम जानते हैं खता किसकी है। रहमा का रहम, पत्थर मैंने फेंका था, सजा मुझे दीजिए, मेरे टुकड़े टुकड़े कर डालिए, लेकिन इस मासूम बच्चे पर तरस खाइए। खूब, जुर्म किसी का और सजा किसी को, ये रोमन इंसाफ के खिलाफ है। ले जाओ इसे शेरों के पिंजरे में डाल दो। क्या हुआ भाइयों, क्या हुआ, तुम सब परेशान क्यों हो? मैन्युअल, मैन्युअल तुम रो क्यों रहे हो? बोलो, बताओ, खुदा के वास्ते बताओ, मेरे इलिया को तो कुछ नहीं हुआ। आका इलिया को बचाइए। क्या हुआ मेरे इलिया को? जालिम ब्रुटस ने इलिया को शेरों के पिंजरे में डालने का हुक्म दे दिया, आका उसे बचाइए। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। इलिया, इलिया, बाबा, बाबा। ओहो, आ जाओ बाबा की जान। बाबा तुम इतनी देर से कहाँ थे? जाना तुमसे खफा हो गई। खफा? नहीं नहीं बेटा, तू तो मेरी आंखों का नूर है, दिल का चैन है। अगर तू खफा हो गई तो मैं जिंदा कैसे रहूंगा? तो मेरी लाडली मुझसे खफा है, ले मुझे मार, मार।
ऐसे 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 रहम 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 आला हजरत रहम। हाँ गुस्सा डरो नहीं बेटा, इस जानवर के दांत हमने तोड़ दिए, अब ये काट नहीं सकता। रहम मेरे मुकद्दस आका रहम, एक नापाक यहूदी का खून अपने सर पर न लो, तुम्हारा पाक सिर नापाक हो जाएगा। यहूदी रोमन कानून फौलाद की तरह सख्त और वक्त की तरह अटल है, चलो यहां से। खूंखार दरिंदे, ये न भूल के रोमन कानून से बड़ा एक और भी कानून है, और वो है खुदा का कानून। कहीं ऐसा न हो कि कुदरत के पोशीदा हाथ इस खौफनाक जुल्म का बदला तेरी औलाद से। खामोश, नापाक यहूदी ले जाओ इसे। नहीं नहीं नहीं, रहम कर मेरे आका रहम करो। खुदा तुम्हारी बच्ची को कयामत तक सलामत रखे, खुदा तुम्हें औलाद का गम कभी न दे, तुम्हारी आंखों की रोशनी कभी न छीने। मेरे मासूम आका, अपने गुलाम के मासूम बच्चे की खता माफ करवा दो। इन छोटे छोटे पांव का सदका, इन नाजुक नाजुक हाथों से एक बेगुनाह परिंदा रिहा कर दो। वो जिंदगी भर तुम्हें दुआएं देगा, उसे माफ करवा दो। मेरे फरिश्ते उसे माफ करवा दो। बाबा, ये रो क्यों रहा है? इसे माफ कर दो। नहीं नहीं लीडिया, ये यहूदी है। तो क्या हुआ, माफ कर दो, नहीं तो मैं तुमसे खफा हो जाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसा न करना मेरी बेटी। जा चालाक यहूदी, तुमने माफ किया। जिंदाबाद नेकी के फरिश्ते, जिंदाबाद। इलिया इलिया, तुम रहा कर दिए गए। इलिया इलिया, छोड़ दो मेरे बच्चे को, उसकी खता माफ हो गई। खता माफ हो गई? हाँ, रहमदिल ब्रूटस ने अपना दिया हुआ हुक्म वापस ले लिया। मगर सबूत? सबूत 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 इसे पूछो। बेवकूफ यहूदी, रोमन कान कभी नहीं बदलता। नहीं नहीं, आका ये सब मेरी भूल से, मासूम इलिया का खून मुझ नमक हराम की कत्ल पर है। मुझे कत्ल कर दीजिए, मुझे कत्ल कर दीजिए आका, कत्ल कर दीजिए, मुझे कत्ल कर दीजिए। आप सुनते क्यों नहीं आका, आप सुनते क्यों नहीं, आप क्यों नहीं सुनते? इंतकाम, जालिम से इंतकाम। Thank you.
चिड़िया कहाँ गई? दया, दया, चिड़िया कहाँ गई? यही तो सो रही थी सोता। यहाँ कहाँ? तुम तो खाली। लीडिया, लीडिया, ओडियस, 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 लीडिया की तलाश करो। जाओ, फोन लीडिया को जाओ, लीडिया की तलाश करो, जाओ। तुम लोग बोलते क्यों नहीं? बोलो। आला हजरत, महल का कोना कोना छान डाला, लेकिन कहीं पता नहीं चला। खामोश। पता नहीं चला। तलाश करो, कमीनों से तलाश करो। कुत्तों, मेरा दिल गवाही देता है, ये किसी यहूदी बदमाश का काम है। इन कमीनों के घर घर की तलाशी लो, जलाकर खाक कर दो इनके घरों को। कुछ भी करो, मेरी लीजिया को ढूंढ कर ले आओ। जाओ फौरन, इसी वक्त। आका ले आया, दुश्मन का कलेजा नोच कर ले आया। लीजिए ये खंजर और मूली प्लूटस की, इस यादगार के टुकड़े टुकड़े कर डालिए। उठिए, खुदा के लिए उठिए। ओह, हमने इनको पत्थर का बना दिया है। मालूम होता है मासूम मीडिया की खौफनाक मौत का इंतकाम मुझे ही लेना होगा। बाबा। कौन? बाबा। कौन? बाबा। इलिया, इलिया मेरा बच्चा। ये इलिया नहीं है आका, इलिया की मौत का बदला है। जालिम ब्रूटस के घर का चराग है। ये लीजिए छुरी और इसके सीने में ठोक कर इंतकाम की फड़कती हुई आग को ठंडा कर डाली। नहीं नहीं मैनुअल, इस मासूम ने तेरा क्या बिगाड़ा है? खून का बदला खून है आका। ये लीजिए। नहीं नहीं मैनुअल नहीं। आप बहक रहे हैं, अगर आपके हाथ कांप रहे हैं तो मैं इसे खत्म कर देता हूँ। मैं इसे खत्म कर देता हूँ। मैं तेरी खोए मुल्ला किस तरह जोड़ी पे तालिम छोड़ दे। देख देख, ये भी मुझे इलिया की तरह बाबा कहकर पुकार रही है। डरो नहीं मेरी लाडली, आज से तुम ही मेरे इलिया की जगह हो। मैनुअल, मुझे मेरा इलिया मिल गया। अब मैं से जुदा नहीं हो सकता। लेकिन इधर कोई नहीं है, आप पिछले दरवाजे से निकल जाइए। लेकिन तुम आका, मेरा यहाँ रहना बहुत जरूरी है, वरना वो आपको पीछा करेंगे। आका जाइए, खुदा के लिए जाइए, जाइए। खोलो दरवाजा। ये क्या शोर मचा रखा है? देखते नहीं रात है? खामोश। मकान का मालिक इस जगह कहाँ है? वो सुबह ही शहर छोड़कर चले गए। हमें इस मकान की तलाशी लेनी है। बच्ची कहाँ है? बच्ची? हाँ, जिसे कि तू आला हजरत ब्रूटस के महल से उठा कर लाया है। मैं? हाँ तू, इस मॉसिस रोमन ने खुद अपनी आंखों से देखा है। हाँ, यही था, जुपिटर की कसम यही था। लेकिन इस मॉसिस रोमन ने ये नहीं देखा कि मैंने उस नन्ही सी बच्ची की इतनी इतनी पोटियां करके रोमन कुत्तों के लिए शहर के गलियों में फेंक दिया। जाओ उसे वहां छोड़ो। आका, गुलाम ने अपना हक अदा कर दिया। खुदा हाफिज।
ये दुनिया ये दुनिया हाय हमारी ये दुनिया शैतानों की बस्ती है यहाँ जिंदगी सस्ती है ये दुनिया हाय हमारी ये दुनिया शैतानों की बस्ती है यहाँ जिंदगी सस्ती है ये दुनिया करना हो तो सिजदा कर दीवारों का और करना हो तो सिजदा कर दीवारों का ये दुनिया हाय हमारी ये दुनिया हर जालिम एक हस्ती है मजहब जुल्म परस्ती है ये दुनिया राज ये डर का मौत है यहाँ की रानी कदम कदम पे जोर जुल्म की मनमानी भूख यहाँ की फसल साल भर फलती है लोग यहाँ पीते हैं आंखों का पानी पर लोग यहाँ पीते हैं आंखों का पानी ये दुनिया हाय हमारी ये दुनिया हर सू आग परस्ती है प्यासी रूह तरसती है ये दुनिया बदल रही है रोज बदलती जाएगी बदल रही है रोज बदलती जाएगी दुनिया करवट लेगी चक्कर खाएगी लेकिन हम मजलूम गरीबों की किस्मत कभी न हंसने देगी सदा रुलाएगी पर कभी न हंसने देगी सदा रुलाएगी ये दुनिया हाय हमारी ये दुनिया बदहालों पे हंसती है लाचारों को डसती है ये दुनिया हाय हमारी ये दुनिया शैतानों की बस्ती है यहाँ जिंदगी सस्ती है ये दुनिया सलाम है जरा आले खैम सलाम आजकल यहाँ रहते हो हाँ मकान तो अच्छा मिल गया है हाँ अब्राहम 15 बरस रोमनों की बदौलत दर्दर की ठोकरें खाने के बाद मिल गया है देखो कब तक रहता है खुदा जाने ना कहो इजरा कहो रोमन जाने कुछ दिनों से हमारे खुदा ने हम यहूदियों की मौत और जिंदगी जालिम रोमनों के हाथ में दे दी है और ब्रोटस को जहन्नम का सरदार बना दिया है अन्ना बेटी अन्ना
चुटकी कहीं की। चुटकी? अच्छा बाबा तो मैंने बाहर फेंक दे दी। अरे अरे ऐसा ना करना, 10,000 के हैं 10,000 के। फेंक दो। नहीं नहीं बेटा ऐसा गजब ना कर डालना, रोज रोक ले इसे, कहीं फेंकी ना दे। बता जो मुझे हाथ लगाया। ये लो रखो अपने 10,000 के जवाहरात। खफा हो गई मेरी गुड़िया। नहीं बेटा, अगर झिलमिलाते हुए चिराग से रोशनी खफा हो जाएगी तो फिर क्या होगा, चिराग हो जाएगा। बेटा ये बेहतरीन जवाहरात तेरी जूतियों के भी काबिल नहीं है। लेकिन आपको तो इन्हीं से मोहब्बत है। नहीं बेटा, इस बदनसीब यहूदी की जिंदगी तुझसे रोशन है, इन हीरों से नहीं। जब ही आप इनके पीछे दीवाने हो रहे हैं। तेरे लिए बेटा, इसलिए कि अपनी प्यारी बेटी के लिए दुनिया का हर आराम खरीद सकूं। और अगर तू ये समझती है कि मुझे इन पत्थर के टुकड़ों से प्यार है तो ले इन सब को फेंक दे, चूल्हे में डाल ले। बस बाबा। बेटा शायद कोई शाही फरमान है। बदर ये फरमान है शाही, शहर के हर खास आम को इत्तला दी जाती है कि आज सल्तनत रोम के जलीलुल कद्र शहंशाह की भतीजी शहजादी ऑक्टेविया की 20वीं सालगिरह के मौके पर शाही महल के सामने एक अजीमुशान जश्न मुनक्किद किया जाएगा, जिसमें पहलवानों की कुश्तियां, जादूगरों के करिश्मे और खास तौर से रथों की दौड़ देखने के काबिल है। दावत आम, हर शहरी इस जश्न में शरीक हो सकता है। और साथ में हुक्म शाही है कि शहर रोम के बसने वाले आज से 3 रोज तक अपना कारोबार बंद रखें और शहजादी की दराजी उम्र की दुआएं मांगे। बहुक्म खास आला हजरत मुक्तदाए आजम कायम मुकाम चैनचाह रोम बादम मौजूदगी चैनचाह। बरकरी के डंडे की कसम, रथों की दौड़ में तो बस मजा ही आ जाएगा। तीन रोज तक दुकानें बंद करो, ब्रू टेस्ट का हुक्म है। ठीक खैर बबनल खैर। कसम देवताओं की, जब से जवान हुई है चांद में रोशनी कम हो गई। वो ठहरी शहजादा मार्कस की मंगेतर, तेरी या मेरी होती तो कोई बात नहीं थी। देवताओं से गलती हो गई। शहजादी बाग बाहर के लिए बेकार नजर आ रहा, शहजादा मार्कस को देते हैं। आज भी वो अपनी अदाओं से बाज नहीं है। वो क्यों बाज आए, देवताओं ने उन्हें भी तो हसीन बनाया है। क्यों यास्मीन, कहीं तू उन्हें हमारी नजर तक नहीं देखती? ना 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 ना, मेरी ये मजाल कहा शहजादी। बस यही दुआ है शहनशाह जल्द वापस आ जाए और आप दोनों की शादी के सामान शुरू हो। Brutus, ești cât să ui? शहजादा मार्कस न तो नहीं आता। मुझे खुद उनका इंतजार है आला हजरत। मेरे ख्याल में अब ज्यादा इंतजार करना बेकार है। जैसे आला हजरत ठीक समझे। Thank you.
बेचैन क्यों होती है शहजादी? कासिद खबर लाया है, वो आ रहे हैं, रास्ते ही में होंगे। कहाँ हूँ मैं, जमीन पर या जन्नत में? मुंह बंद रखिए, आगे ही कीचड़ लग रहा है उस पे। सरकार ये लीजिए, पानी ले आई हूँ। चलो वो रोमांच पर आ गए, चलिए। लेकिन इनका क्या होगा, और थोड़ी देर में तो ये गले भी पड़ जाएंगे। चलिए उठिए ना, चलिए चलिए। कैदियत है ना, मैं तुमसे पहले ही कहता था कि ये घोड़े शिकार के लायक नहीं है। चलो हाँ, उधर कहाँ देख रहे हो? ओ मेरा ख्याल है, चलो। हकीम साहब तशरीफ लाइए, आइए। मरीज की हालत बहुत नाजुक है हकीम साहब, जख्म कहीं और आया है और बताता कहीं और है। बहुत शरीर अंटोनियो, बहुत शरीर। जख्म बहुत मामूली है, दवा दिए जाता हूं, एक दिन में निशान तक मिट जाएगा। ये लीजिए। अच्छा अब इजाजत चाहता हूँ। एक दवा हंसने की भी तो देते जाइए हकीम साहब, ये हंसना भूल गए हैं। हंसने की दवा तो तुम्हारे पास है एंटोनियो, मेरे पास नहीं। एक बात का ध्यान रखना शहजादे, ये दवा इस्तेमाल करने के बाद हाथ अच्छी तरह से साफ कर लेना। ये दवा आंखों में हरगिज नहीं लगनी चाहिए, वरना फौरन रोशनी जाती रहेगी। अच्छा खुदा हाफिज। एंटोनियो। जी जी हाँ, मैं भी जा रहा हूँ। कैसे हो मार्कस? जख्म तो अच्छा है। तो फिर जश्न में क्यों नहीं है? तबीयत अच्छी नहीं। चलो मार्कस,
तुम्हारे बगैर हर रंग बेरंग नगमे मध्यम सुनाई देते हैं, रस धुंधले नजर आते हैं। आओ महफिल में चलकर मेरे पहलू में बैठो। नहीं होते, मैं आज तुमसे माफी चाहूंगा। मार्कस, क्या तुम चाहते हो कि आज सालगिरह के दिन भी मेरी आंखोश वीरान रहे, मेरी आंखें तुम्हें ढूंढे? मेरा जी घबरा रहा है ऑक्टेविया, मैं तन्हाई चाहता हूं। बात हंसी बंद, वादा याद है ना कि मैं जिसको पकड़ लूंगा वो मेरी हो जाएगी? और अगर मैं सबको एक साथ पकड़ लूं तो सब तुम्हारी हो जाएंगी। तो बहुत बड़ा एहसान करेंगे यार, अच्छी बात है। अरे इतना खूबसूरत आदमी तो चिराग लेके ढूंढोगी तब भी नहीं मिलेगा। मेरा ख्याल है कि चुपचाप चलियो। क्यों दौड़ाती हो तुम लड़की हो? अरे भागो मत, भागो मत। अरे मिस्र सूरज के भरी है मेरे अंदर रोशनी, तौल कर बख्शूंगा सबको मैं बराबर रोशनी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे कहाँ गायब हो गई लड़की? ओहो कहाँ चली गई? आहा, अरे पकड़िया पकड़िया मेरी प्यारी, पकड़िया। बाप रे, अंजनी जी। तुम यहाँ जश्न मना रहे हो मगर तुम्हें शहजादे का भी कुछ ख्याल है? शहजादे का ख्याल तो आजकल आप मजाक बंद करो। शहजादा बहुत परेशान है, जाओ उसे बहलाने की कोशिश करो। जैसा हुक्म हो, जाओ उसे बहलाने की कोशिश करो। मेरी जन्नत की परियो, मेरे साथ चलो, आओ इधर आ जाओ। बीमारे मोहब्बत का क्या हाल है? ओ, मालूम होता है बीमार चल बसा और सिर्फ मोहब्बत खड़ी रह गई है। एंटोनियो, मुझसे गलती हो गई, दोनों मौजूद है, बीमार भी और मोहब्बत भी। एंटोनियो, मैं तुमसे इल्तिजा करता हूँ, इस वक्त जाओ और मुझे तन्हा छोड़ दो। तन्हाई? जवान आदमी का तन्हाई चाहना बीमारी है मेरे दोस्त, इसीलिए तो उसका जिगरी दोस्त एंटोनियो दुनिया की मशहूर मोहब्बत की दवा चलती फिरती परियां लेकर आया है। एंटोनियो तुमसे कह दिया। चलो भी, आओ आओ बैठ जाओ। एंटोनियो इनसे कह दो कि फौरन चली जाए यहां से। एंटोनियो! अरे मगर मुझे यतीम करके कहां जा रही हो? सबके सब मुझे तो साथ ले चलो। Thank you.
खबरदार जल्दी वहीं ठहर जा, वरना जान से मार डालूंगा। आका, आका यहूदी के लिबास में। हाँ लियो, ये एक राज है आका, और ये राज हर कीमत पर एक राज रहेगा। रहेगा आका। लियो आका, मेरा हुक्म और अपना फर्ज हमेशा याद रहे। क्यों हुक्म आका? सुनिए 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 जनाब आला, क्या कहता है मजने वाला। अरबस्तान के रेगिस्तान से आया हूँ, न ऊंट लाया हूँ न खजूर, खाली हाथ आया हूँ हुजूर। लेकिन ये हाथ खाली नहीं, इनमें करिश्मात के खजाने हैं। आवाज लगाइए, क्या तोहफा पेश करूं। माशूक माशूक जरा मुझे तो निकलने दीजिए बरखुदार। घबराओ मत बरखुदार, तुम्हारे लिए दो जवान परियां इस टोकरी में बंद की हुई हैं। अमा जाओ परियां, और इतनी सी टोकरी में नहीं आती ना तो। अच्छा ये देखो। अरे बाजीगर भाई, क्यों बेवकूफ बनाते हो, ये माशूक है या बुत? हर माशूक बुत हुआ करता है। ये देखिए, अरे आसमान की परियो, जमीन पर उठकर खड़ी हो जाओ। या शेकल बंदूक बना दे इन बुतों को माशूक। बेचैन दिल खोई सी नजर तन्हाइयों में शाम सहर।
क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इस यहूदी छोकरी को और कितनी देर तक घूरोगे? अरे यार, मैं घूर नहीं रहा हूँ, मैं इस यहूदी चांद के टुकड़े को आंखों के जरिए पी रहा हूँ। मगर कब तक? जब तक ये मेरे पहलू में आकर मेरे साथ चलने को तैयार ना हो जाएगी। अगर उसने शोर मचा दिया तो मेरे बाजुओं में ताकत है और वो नाजुक है। महज ये फूल ही क्या मुस्तहिक है मेहरबानी का, इधर भी एक उचकती सी नजर सबका जवानी का। क्या मतलब? जब एक रोमन जवान एक यहूदी हसीना पर फूल फेंके तो सिर्फ उसका एक ही मतलब होता है। मैं ऐसे मतलब पर लानत भेजती? ना 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 ना, मोहब्बत पर लानत भेजना जुल्म है मेरी जान, और रोमन कानून जुल्म के सख्त खिलाफ है। खबरदार, छोड़ दो मुझे, खबरदार तुम मुझे छोड़ दो। ये बात है, खुदा भी नहीं बचा, इंसानी बात है। हट जा यहूदी के बच्चे। खुदा, ये जुल्म कब तक? ये जुल्म कब तक? बेटी आ गई। हन्ना। बाबा, पहले इन्हें गले लगा, अगर ये ना होते तो न जाने आज तुम्हारी हन्ना का क्या हाल होता। बेटा, मैं किस जबान से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? आज तुमने मुझ बूढ़े को जिंदगी दे दी। मैं ये एहसान, आप क्या कह रहे हैं, मैंने तो कोई एहसान नहीं किया। एक यहूदी की मदद करना एक यहूदी का फर्ज है। आओ बेटा, अंदर आओ।
आज तुमने यहूदियों का सर ऊंचा कर दिया। बेटी हन्ना, अपने मेहमान के लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करो। क्यों जहमत करते हैं आप? बैठो बैठो बेटा बैठो, बूढ़े मेजबान का दिल नहीं तोड़ा करते। ये लो, मैं तो अपने मोहसिन का नाम पूछना ही भूल गया। जी मेरा नाम मनशिया है। मनशिया? मनशिया? जी हाँ मनशिया। बहुत अच्छा नाम है, लेकिन बेटा मैंने तुम्हें कभी इबादत गाह में नहीं देखा और न कभी तुम इस मोहल्ले में नजर आए। वो दरअसल मैं ये सिकंदरिया का रहने वाला हूँ ना। किसी काम की वजह से आए हो? क्या काम के लिए आए? क्या काम करते हो बेटा? मैं वो ये काम, ये हीरे मोतियों की तिजारत करता हूँ। खूब खूब। बेटी हन्ना, हमारे मेहमान भी वही काम करते हैं जो मैं करता हूँ। ये तो मेरी खुशनसीबी है। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे अपने तजुर्बे से फायदा उठाने का मौका देंगे, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि आप मुझे अपना शागिर्द ही बना लें। शागिर्द? जी हाँ। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। मैं तो तुम्हें अपना बेटा बनाऊंगा। बेटा मनशिया, आज से बूढ़े इजरा का घर अपना ही घर समझो, और जब तबीयत चाहे। बाबा, इन्हें कुछ खाने भी दीजिए। हाँ हाँ बेटा, खाओ खाओ। कहीं जाना है सरकार को? नहीं तो? तो फिर कोई आने वाला है? रुक, तो कह दूं सरकार घर में नहीं है? नहीं नहीं नहीं, तो फिर क्या करूं? आका तो घर में है नहीं। तो क्या हुआ सरकार? जवान आदमी से अकेले मैं तो आपको मिलने नहीं दूं। तो दूर से खड़ी देखती रहना, चुपके। जल्दी जरूर कहीं वो चले ना जाए। अरे वो तो शाम तक नहीं जाएंगे। आका तो घर में नहीं है। क्या? आका घर में नहीं है। अच्छा, और वो? वो? है। क्यों? उनसे कुछ काम है? काम तो आपसे है। मुझसे? जी। कहिए क्या काम है? जरा उनसे मिलवा दीजिए। उनसे मिलवा दीजिए। आइए। खूबसूरत लड़की के यहाँ काम करना भी मुसीबत है। क्यों क्यों? अभी तो कोई कीमत नहीं। इधर जब तक आप इससे बातें कीजिए, मैं सरकार को अभी बुलाती हूँ। अच्छा। आपने कुछ पूछा मुझसे? अरे ज्यादा गर्दन मत हिलाओ, टेढ़ी हो जाएगी। इसमें बिगड़ने की क्या बात है? मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि गर्दन मत हिलाओ, ज्यादा टेढ़ी हो जाएगी। बाली, ये आपके पाली का गुस्सा तो इसकी नाक पर रखा हुआ है, बिला वजह मुझसे नाराज हो गया। ये सब रूत ने इसे बिगाड़ रखा है। पाली, ये हमारे मेहमान हैं। अरे ना, अरे ना। ये किससे कह रहा है, मुझसे या आपसे? ये तो यूं ही बका करता है। दोस्ती कर लो। दोस्ती कर लो। किससे? आपके समझदार तोते से। बहुत जी चाहता है। क्यों चाहता तो है। तो कर लीजिए। पाली, हम तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। पाली, कमबख्त।
जाने दीजिए, दिल पर किसी का जोर तो नहीं होता। ओफो, खून निकल आया, यहाँ आइए। कितना खून निकल आया। ये महक आपके बालों की है ना? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, ये सब रूत की बच्ची ने इसे खराब कर रखा है। मेरा ख्याल है आपका बाली मुझसे प्यार कर रहा था। प्यार ऐसे किया जाता है? तो फिर कैसे किया जाता है? जी बुरी बात है, घर आए हुए मेहमान से इस तरह मुंह नहीं मोड़ लिया करते। नहीं, मैं कुछ सोच रही थी। मैं भी कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? यही कि जो इस वक्त दिल में है अगर मिल जाए तो कितना अच्छा हो। क्या है दिल में? एक छोटी सी गुड़िया चांद जैसी, घने बाल, गुलाब की सी महक। तो उसे खरीद लीजिए। सोने चांदी से नहीं मिल सकती वो? क्यों? दिल मांगती। तो दे दीजिए। दे तो दिया, पता नहीं उसे पसंद भी आया कि नहीं। तो पूछ लीजिए ना। पूछ ही तो रहा हूं। ये क्या? नाराज ना हो, मैं जा रहा हूं। क्यों इतनी जल्दी? कल के लिए भी तो कुछ गुंजाइश छोड़ देनी चाहिए ना। हाँ, कल जरूर आइएगा, बाबा को बड़ी खुशी होगी। और आपको? मेरे पाली से हाथ तो मिलाते जाइए। बिल्कुल नहीं। क्यों? पहले आप उसे प्यार करना सिखाइए। सुनिए, क्या? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जंगली, प्यार करना भी नहीं जानता। सरकार, तो आप ही सिखा दीजिए ना। अरे हाँ, मेरी जान, मेरी जान, प्यार किसी से हो ही गया है, हम क्या करें। मेरी जान, मेरी जान, प्यार किसी से हो ही गया है, हम क्या करें, हम क्या करें, कोई क्या करे, दिल जो दिया है हम क्या करें। मेरी जान, मेरी जान, जिनकी निगाहों ने
आका शहजादी। कौन सी शहजादी? हो आजकल दो शहजादियां हैं ना, एक आपकी और एक रोमनो की। कौन सी शहजादी लियो? रोमनो की शहजादी ऑक्टेविया आ रही है इस वक्त। जी सरकार। तुम गधे हो लियो। हरगिज नहीं आका। जाओ उनसे जाके कह दो कि मैं महल में नहीं हूं, बाग में नहीं हूं, कहीं भी नहीं हूं। तो फिर आप है कहां? जहन्नुम में। शहजादा कहां है लियो? आपका मतलब मेरे आका से? हाँ? वो बाहर तशरीफ ले गए। कहां गए? जहन्नुम में। क्या बकते हो? जी मेरा मतलब है गुलाम को बिल्कुल खबर नहीं। क्यों, आज तुम उनके पीछे पीछे नहीं गए वफादार कुत्ते की तरह? अल्लाह हजरत, आज उन्होंने फरमाया कि वो शिकार पर नहीं जाएंगे, इसलिए कुत्ते की जरूरत नहीं। और तुमने उनसे नहीं कहा कि शाम को हमारे साथ सैर को जाना है? हमने कहलाया नहीं था? गुलाम ने दस बस्ता अर्ज कर दिया था, लेकिन उन्होंने जबरदस्त खुफिया काम के लिए बाहर जाना था। खुफिया काम? कौन सा ऐसा काम है जो हमें नहीं मालूम होना चाहिए? बंद करो सीढ़ियां। बेरह, जानी। कौन शहजादी? जिसे दिल दिया है वो, और कौन? यास्मीन, क्या मैं हसीन नहीं हूं? आईना झूठ बोलता है। आईने की क्या मजाल शहजादी, फिर वो मेरी परवाह क्यों नहीं करता? मेरे इशारे काम क्यों नहीं करता? मेरी त्वचा ठुकराई क्यों जाती? मगर मैंने उनसे कहा था कि शाम को सैर करने चलेंगे, मगर वो कहीं चला गया और मुझे दीवारों से सर टकराने के लिए छोड़ गया। जरूर कोई मजबूरी होगी शहजादी, जिसका छिपाना छिपाना। और मुझसे यास्मीन, मोहब्बत करने वालों में राजदारियां नहीं होती। देख पाली, तू सुन ले कान खोलकर, कल तूने उनके साथ बहुत बदतमीजी की थी, आज अगर वो नहीं आया तो तेरी खैर नहीं। तू चुप रह। कौन है? तेरा सर। ये क्या बातें हो रही हैं पाली से? और किसी के इंतजार में वक्त काट रही थी। ओहो, फिर तो मैं गलत वक्त से आ गया। अच्छा चलता हूँ। नहीं नहीं, क्यों ना जाऊं? आपका हाथ कैसा है? जख्म तो अच्छा हो गया, मगर निशान अभी बाकी। प्यार के निशान वैसे भी तो आसानी से नहीं जाते ना। पट्टी क्यों नहीं खोली अब तक? आपके लिए नहीं खोली। दर्द तो नहीं होगा? कहाँ, हाथ में? चोट तो कहीं और ही लगी है ना। तो दर्द वहां है? कब तक रहेगा? हमेशा। आप खुश हैं? क्यों ना, जिंदगी के लिए सहारा मिल गया है। क्या है? आपका वो हार जो उस दिन बाजार में खो गया था। लेकिन ये तो मेरा नहीं है। सब कुछ ही तो आपका है, ये सवेरा, ये रोशनी, वो पहाड़, उनकी दूर तक फैली हुई वादियां, मैं, मेरा सब कुछ। तुम मुझे लूटना चाहते हो? तुम कुछ नहीं चाहती है ना, सच बताओ। मैं जो चाहती थी वो मुझे मिल गया। ये हार तुम्हारे गले में कितनी खूबसूरत मालूम हो रहा है। जैसे कैदी के गले में संजीर। सुनो, तुम वतन कब जा रहे हो? मैं? जब मौत आएगी तो। मंशिया, आपने मुझे याद किया शहजादी साहिबा?
आप कुछ परेशान नजर आते हैं। हाँ अंटोनियो, हम बेहद परेशान हैं। कुछ समझ में नहीं आता। जिस दिन से रथ का हादसा हुआ है, शहजादे का रंग कुछ बदला बदला सा नजर आता है। रथ का हादसा? हाँ अंटोनियो, क्या तुम पता करके बता सकते हो आखिर वो किस धुन में खोए रहते हैं? आप फिक्र न करें शहजादी साहबा, मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा। हमें तुम पर पूरा भरोसा है अंटोनियो। शुक्रिया। हाँ याद आ गया, जिस दिन यार ने गद्दा खाया था उस दिन दो पटाखे भी कहीं से टपक पड़े थे। ए, घूर घूर कर क्या देख रहे हो? क्यों ना घूरूं? तू हसीन है और मैं अंधा नहीं। मैं हसीन हूँ? बेशक, मेरे कीचड़ के हीरे तू हसीन है। किसी दिन गुलाब के पानी से अपने कीचड़ को धोकर अपने आप को आईने में देख, तेरी चमक से आईना भी टूट जाएगा। अरे तू परी है, परी, परस्तान की परी। मैं परी हूँ मगर मेरे पर तो नहीं। पर किसी माशूक के नहीं होते, पर तो हम आशिक लगा दिया करते हैं। देखो मेरा एक आशिक आया है। अरे रे रे, भीड़ क्यों जमा करती हो? अरे इसकी महक तो अकेले में ही लगती है, अकेले में। बीच में कहां बताए हो कि आप भी बताए हैं बड़े भाई, बड़े भाई। आप तो गुस्से कैसे रहे? आप बड़े भाई इतना खूबसूरत आदमी होकर और ऐसी हरकत नहीं, बड़ी बुरी बात है, बड़ी बुरी बात है बड़े भाई, बड़े भाई। अंदर ठीक है, मेरी कमर ही तोड़ दी। कमर ही तोड़ दी? कमर है, कमरा है। मैंने कहा हुजूर मुझसे फरमाइए आपको क्या चाहिए। सेब, अनार, अंगूर, जरदालू, शफ्तालू, जो कहिए सो बांधू, पैसे की फिक्र न कीजिए, पैसे फिर आ जाएंगे। मालूम होता है नई दुकान खुली? जी नहीं, मगर हम तो ग्राहक देखकर बात करते हैं। आप कौन है जी? जी मैंने कहा चाचा किसी छोटे फल से मारा होता। मेरे चाचा है दरअसल और जरा पागल है। पागल? तुम्हारा सर है जी पागल? मैं पागल हूँ? जी नहीं, आप क्यों पागल होने लगे? मगर आप क्यों नहीं समझते कि आप मेरे चाचा हैं? हाँ, वाकई वाकई मैं इनका बाप हूँ जी, मेरे चाचा। ओ हाँ, चाचा चाचा। और इस कदर ताजे हैं, अभी अभी तो दरख्त से तोड़ कर लाए हैं। और ये भी लीजिए, मेरी तरफ से ये भी लेते जाइए, ये भी ताजा नहीं चाहिए। और ये दाम क्या होंगे? दाम? अरे साहब जहन्नम में जाने दीजिए, दाम को दाम की हमें क्या फिक्र है? कोई फिक्र नहीं, घर बैठे आ जाएंगे, दाम आप पर से कुर्बान है। बहुत वजन हो गया है, आपके नाजुक हाथों में दर्द हो जाएगा। चलिए मैं आपको घर तक छोड़ा हूँ। आप रोमन होकर भी कितने शरीफ हैं। ऐसी आपसे किसने कह दिया? जी जी हाँ, वाकई में कितना शरीफ हूँ। तो क्या आप सबको इस तरह घर पहुंचाने जाते हैं? घर तक पहुंचाना तो हमारा खानदानी पेशा है। तशरीफ लाइए। गालिबन अब तो आप थक गए होंगे। जी नहीं हुजूर, हम तो ऐसे दुकानदार हैं कि सामान के साथ ग्राहक को भी कंधे पर बैठाकर घर पहुंचा देते हैं। अच्छा जी हाँ। लाइए, मेरा मकान आ गया। ये आपका मकान है? हाँ? ओ, ये तो बहुत खूबसूरत मकान है। लेकिन आप सौदा लेने क्यों जाती हैं? मेरा मतलब है कि कोई खादमा रख लीजिए।
तो मैं कौन हूँ? आप खादमा है? तो ये मकान मेरे आका इजरा जौहरी का है। इजरा जौहरी का नाम तो सुना हुआ है। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप उनके साथ अकेली? जी नहीं, उनकी एक लड़की भी है, हन्ना है उसका नाम। हम सब मिलाकर तीन हैं। हम सब मिलाकर तीन हैं? झूठ बात, चौथा जरूर कोई आता होगा। बको मत, यहाँ चौथा कोई नहीं आता। अगर नहीं आता है तो इसका मतलब तो जाते हो या दो चार को बुलाओ। जरूर बुलाइए, मगर जरा ख्याल रखिएगा, जरा खूबसूरत हो। इजा की जरा फड़कती हुई याकूब इजा की मर्दों के नाम। आते जाते पहलू में आया कोई, आते जाते पहलू में आया कोई, मेरे दिल बदला ना छुपा, आज से मैं तुझे दिल कहूँ या दिल रुबा। आते जाते पहलू में आया कोई, मेरे दिल बदला ना छुपा, आज से मैं तुझे दिल कहूँ या दिल रुबा। आते जाते पहलू में आया कोई,
خوش آمدید شہنشاہ، خوش آمدید. عمر دراز، خداوند جوپیٹر کی برکتیں. کیسی رہیں آپ دیویا؟ ٹھیک ہوں اعلی حضرت. شہزادہ کہاں ہے؟ ہم سے ملنے نہیں آیا. مجھے خود خبر نہیں اعلی حضرت، شاید شکار پر گئے ہوں گے. اور کیا کریں گے، سر پر ذمہ داریوں کا بار نہیں. جوانی کی امنگیں طوفانی ہواؤں کی طرح اڑائے پھرتی ہیں. ہم نے بھی ایسے دن گزارے ہیں آکٹیویا، مگر بیٹا اب ہم تمہاری شادی میں دیر نہیں کریں گے. شرم اور انکار میں فرق ہوتا ہے آکٹیویا، کیا تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو؟ خوش ہوں اعلی حضرت، بہت خوش. یہ ہیرا دیکھو منشیا، کتنا نایاب ہے. واقعی بڑا نایاب کرتے ہیں، قطعی بے داغ اور بے. لیکن ایسی چیزیں حاصل کرنے کے لیے بابا قسمت بنانی چاہیے. اور وہ کس کارخانے میں ملتی ہے نا؟ محنت اور قربانی کے کارخانے میں. دیکھا کیا جواب دیا ہے، میری بیٹی سے کوئی نہیں جیت سکتا. اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ روت، روت دیکھو تو دروازے پہ کون ہے. یہ مکان کیا عزیز زہری کا ہے؟ جی ہاں، تشریف لائیے. آئیے. شہزادی اکتیویا. ذہن نصیب، ذہن نصیب. حضور کی تشریف آوری کا شکریہ. فرمائیے، یہ ادنا غلام آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہے؟ کیا تم ہی عزرا جوہری ہو؟ جی اعلی حضرت، تشریف رکھیے. ہمارے رتھ کا پہیہ ٹوٹ گیا ہے، تم اس کی مرمت کا بندوبست کر دو. ہمیں جلدی جانا ہے ورنہ شہنشاہ پریشان ہوں گے. حضور کوئی فکر نہ کریں، جب تک رتھ کی مرمت کا بندوبست ہو اعلیٰ حضرت یہاں آرام فرمائیں. بیٹی ہننا جاؤ، کچھ پھل لاؤ، شربت لاؤ. اچھا بابا. اگر اعلیٰ حضرت پسند فرمائیں تو جواہرات دیکھ سکتی ہیں. تم کہاں چل دیے منشیا؟ جی جی، وہی رتھ کا بندوبست کرنے. تمہارا یہاں رہنا نہایت ضروری ہے، شاہی مہمان کی خاطر کرو. ایسے مہمانوں سے قسمتیں بنتی ہیں، قسمتیں. رتھ کے لیے میں خود جاتا ہوں. بعد یاسمین، یہ خوب ہے. سرکار ذرا اس آدمی کو تو دیکھیے، شہزادہ مارکس سے کتنا ملتا جلتا ہے. ذرا نام تو پوچھ. سنیے. جی ہاں. آپ کی تعریف. جی تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا ان کو ہنسی بنا کر مجھ کو جوان بنایا. مگر تم نے اپنا منہ کیوں چھپا رکھا ہے؟ مارے گی ظالم. کون مارے گی؟ وہی سراپا ناز جو اپنے دست گداز سے آپ لوگوں کے لیے شربت جانواز تیار کر رہی ہے. مگر مارے گی کیوں؟ دل مہجور محبت میں گرفتار مجبور، وعدہ کر بیٹھا کہ کبھی کسی حسینہ کو اپنی شکل دکھاؤں گا ہی نہیں. ہم بھی بہت ضدی ہیں. تمہارے دل کا یہ ارماں بڑی مشکل سے نکلے گا. خطر بلی کا ہے، چوہا نہ ہر کس دل سے نکلے گا. ارے تم آدمی ہو یا خرگوش؟ جی میں خرگوش ہوں. نہیں خرگوش.
ये कौन है तुम्हारे? वो बातें तो खूब करते हैं मगर सामने क्यों नहीं आते? शर्माते हैं। शर्माते हैं जब बिक चुके हैं। शहजादी साहिबा सवारी तैयार है। तुम्हारी मेहमान नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमने कुछ जेवरात पसंद किए हैं, दो चार दिन में बुला भेजेंगे। जहर किस्मत, शौक से, शौक से। चले गए वो लोग? हाँ, लेकिन तुम उनसे छुपते क्यों फिर रहे थे? कौन, मैं? लो, नहीं तो मैं कहाँ छुप रहा था? मैं तो वो जो ये वो जो थी ना शहजादी, नहीं शहजादी नहीं, वो शहजादी की कनीज, वो घूर घूर के देख रही थी मेरी तरफ। सच? अच्छा मैं चलता हूँ। जब तेरी कुदरत, जब तेरे खेल, किस्मत भी क्या क्या रंग दिखाती है। कहां रोम की शहजादी और कहां एक अदना यहूदी मनशा। इजाजत चाहूंगा बाबा। इतनी जल्दी? नहीं नहीं, आज तो तुम रात तक नहीं जा सकते। क्यों, कोई खास बात है? अरे तुम यहूदी होकर भूल जाते हो, आज तो हमारा मुबारक दिन है, आज रात को रोटी पर नजर दी जाएगी। ओ हाँ हाँ, वो तो मैं उसके लिए तो मैं रात को आ रहा हूँ ना बाबा। हाँ हाँ जरूर आना, हाँ जरूर आना। गुलाम हाजिर है आला हजरत। हम तुम्हारे मुंतजिर थे मार्कस। हमने फैसला किया है मार्कस। इरशाद आला हजरत। अपने मनचले वलीयत के पैरों को हम जिम्मेदारियों की जंजीर से बांध देना चाहते हैं। इस चांद की आखिरी शब तुम्हारी शादी की मुकद्दस रस्म से सुबुकदोश होना चाहते हैं। कहो, हमारी राय से इत्तेफाक है? चुप क्यों हो गए? मुझे आपके फैसले से इख्तिलाफ है आला हजरत। मार्कस, तुम्हारी इस गुस्ताखी को हम दरगुजर करते हैं। जाओ, तुम्हें सोचने के लिए वक्त दिया जाता है। मैं वक्त के साथ साथ अपने फैसले में आजादी का भी तालिब हूँ आला हजरत। तुम्हारा सबसे पहला फर्ज हमारी इताअत और फरमाबरदारी। तुम जा सकते हो। अनिल खाई से पैरों चल खलाम पे आतो बरूख चावना मम्मूसिले हल्ली नारे। मेरे दीनी भाइयों, इस मुकद्दस रोटी खाने का मतलब यह है कि हमें अपने सच्चे खुदा और यहूदी मजहब के उसूलों पर सच्चे दिल से यकीन है। इसका खाना यहूदी होने की पहचान है। कहाँ चल दिए मनशिया? जरा तबीयत ठीक नहीं महसूस हो रही। मैं बाहर। तबीयत ठीक नहीं है? अच्छा जाओ जाओ। तुम बाबा से झूठ बोलो, तुमने मुकद्दस रोटी क्यों फेंक दी? किसने कहा? ये क्या है? मैंने अपनी आंखों से तुम्हें रोटी फेंकते हुए देखा। वो यहूदी तो ऐसा नहीं कर सकता। हन्नान,
मुझे मत छुओ। मैं नहीं जानती थी कि तुम मुझसे भी झूठ बोल सकते हो। प्यार करने वाले दिल में इस तरह शक नहीं लाया करते। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा। तो फिर तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते कि माजरा क्या है? दिमाग ख्याल का और ख्याल लफ्जों का साथ नहीं दे रहे। मैं अपनी हन्ना को सब कुछ बता दूंगा, सब कुछ। बेटी हन्ना, घर में मेहमान आए हुए, तुम इस वक्त जाओ हन्ना। रात की खामोशी में उन खंडनों के करीब मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। नहीं, मैं वहां नहीं आ सकती। सिद्ध न करो हन्ना, तुम्हें वहां आना होगा। नहीं, तुम्हें जो कुछ कहना है इस वक्त वो यही कहो। बेटी मेहमान जा रहे हैं। अगर मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत है और मोहब्बत में सच्चाई जिंदा है तो तुम वहां आओगी, जरूर आओगी। तुझको बेदली है, मुझको है दिल का गुरूर। तू ये माने के न माने, लोग मानेंगे जरूर। मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरू, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरू। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। ये मेरा दीवानापन है। दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार। दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार। चाहे तू आए ना आए, हम करेंगे इंतजार। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरू। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। ये मेरा दीवानापन है। ऐसे वीराने में एक दिन घुटके मर जाएंगे हम। ऐसे वीराने में एक दिन घुटके मर जाएंगे हम। जितना जी चाहे पुकारो, फिर नहीं आएंगे हम। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरू। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। ये मेरा दीवानापन है
ये मेरा दीवानापन है। मैं जानता था तुम जरूर आओगे, मेरे करीब आओ हन्ना। देखो मेरे दिल की धड़कनें तुमसे भीख मांग रही हैं, सुकून की, मोहब्बत की। मुझे यकीन दिलाओ मंशिया, मुझे मजबूर कर दो ताकि मेरा दिल तुम्हारी इन सब बातों को सच समझने लगे। इधर देखो हन्ना, ये देखो मेरी आंखों में फरेब है, तुम्हारे जिस्म से लग रहा है मुझे। मेरी रूह मोहब्बत के अंगारों पे दहक रही है हन्ना, इसे बचा ले। मुझ पर यकीन करो, मेरी मोहब्बत को शक की नजर से नहीं देखो हन्ना। शबनम के बूंदों से प्यास नहीं बुझती, सच बताओ क्या तुम यहूदी नहीं हो? चुप क्यों हो गए? मुमकिन है मेरी एक बात से गम की आंधियां टूट पड़े और मोहब्बत की इस चांदनी में नफरत का जहर फैल जाए। ना क्या ये हो सकता है कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो? अच्छा, कह दो कि तुम रोमन नहीं हो। मैं एक इंसान हूँ तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार और बेबस। मुझे कह दो कि तुम रोमन नहीं हो, कहो कि तुम रोमन नहीं हो। अगर इंसान की पहचान ऐसे ही नामों से होती है तो मैं रोमन हूं। लेकिन इससे बड़ा सुन कोई नहीं, इससे बड़ी सजा कोई नहीं है। मुझे मत छू, तुमने मुझे धोखा दिया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था बताओ? तुमने मुझे जिंदगी दी, अपनी बेलौस मोहब्बत से मेरी बेनूर जिंदगी को रोशनी से भर दिया। झूठ, मेरे हम इंसान अपनी जहरीली आंखों से वफा की झूठी चमक हटा दो, मुझे इस तरह मत देखो मुझे चले जाओ। और कुछ भी सुनना नहीं चाहती मैं, इसलिए कि मैं एक रोमन हूं ना। मेरा मसब ना देखो, मेरी मोहब्बत देखो, मेरा दिल देखो। मैंने फौलाद के टुकड़े देखे, पत्थर देखे, जाओ मंशी जाओ। हन्ना मेरी महबूब, तुम्हारी मोहब्बत मेरी रग रग में समा चुकी है, मैं इस जिंदगी को तुम्हारे कदमों को खत्म कर दूंगा, मैं इन वीरान वादियों में तड़प तड़प कर जान दे दूंगा, जिंदगी की आखिरी सांस तक मेरे होठों पर तुम्हारा ही नाम रहेगा। लेकिन ये वादा रहा कि अब मेरी आवाज तुम कभी नहीं सुनोगे। मुझे कहीं ले चलो, मुझे ये रुस्वाई या बदनामी मंजूर है, मुझे ये वीराने मंजूर है, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत से दूर दम तोड़ती है जिंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूर किसी ऐसी जगह चले जहां इंसान को खुदाई का दावा न हो, जहां इस फरेबी दुनिया के चांद सितारों की रोशनी भी हम तक न पहुंच सके। आप तक कहां जाते हो? निकल चलने की ये हसरत बड़ी मुश्किल से निकलेगी, कलेजा चीर देगी बद्दुआ जो दिल से निकलेगी। बाबा एहसान फरामोश रोमन, क्या तू इसीलिए मेरे घर में मेहमान बनकर आया था कि मेरे घर के चिराग को अपने नापाक दामन में छुपा कर चुरा ले जाए? ठहर, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बाबा, बाबा, ये बेकसूर है। हट जाओ हन्ना, मोहब्बत पर जुल्म करने वालों को दिल खोल कर खेलने दो। बुजदिल रोमन, क्या तुम्हारे बाजों की कुव्वत खत्म हो गई जो धोखे और मक्कारी पर उतर आए हो? बताओ। दिल है आपके सीने में, एक इंसान की रूह है इस जिस्म में जो मेरी बात सुनकर समझ सके। चालाक रोमन, मैं तुम्हारी कौम के हथकंडों से अच्छी तरह वाकिफ हूं। कतई ना वाकिफ हैं आप, आपके दिलो दिमाग पर एक झूठा मुलम्मा चढ़ा हुआ है। मजहब और एक ओछी इंसानियत के नाम पर सच्ची मोहब्बत का गला घोटना चाहते हैं। मैं गुनाह को उसकी जड़ से उखाड़ कर फेंक देना चाहता हूं।
मैं तुम्हारी लाश को रोम का चौराहे पर रख दूंगा ताकि तुम जैसे मक्कार रोमन उसे देखकर इबरत हासिल कर सके। बाबा नहीं बाबा, वो सूरीन का नहीं मेरा है, मैंने इनसे मोहब्बत की है, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। खामोश नादान लड़की, तू नहीं समझती तू क्या कह रही है। ठीक कह रही हूँ बाबा, मेरी मोहब्बत, मेरी उम्मीदें, मेरे ख्वाब मुझे भीख समझ कर दे दो बाबा। नहीं हरगिज नहीं, हट जा मेरे सार से वरना तुझे भी। खुशी से बाबा मुझे मार डालो, मुझे मार डालो, मैं तुम्हारे कदमों पर सर रख के अपनी जान दे दूँ। अफसोस, एक खुद्दार यहूदी की लड़की एक रोमन के फरेब जिसे पाला था खून दिल से जारो ना तवा होकर, खबर क्या थी वही देगी दगा एक दिन जवा होकर। नौजवान, ये लड़की मेरी तारीख जिंदगी का चिराग है, इससे घड़ी की जुदाई भी मेरे लिए मौत का पैगाम है। अगर तू इससे मोहब्बत करता है तो तुझे इससे शादी करनी होगी। ये मेरी खुशनसीबी होगी। यकीनन खुशनसीबी होगी, लेकिन शादी से पहले तमाम रस्म पूरी करनी होंगी। दोजानू हो जा, दोजानू हो जाओ, तुम्हें यहूदी मजहब कबूल करना होगा। नापाक रोमन से हन्ना की शादी नहीं की जाएगी। मैं इस तरह अपनी मोहब्बत को जलील नहीं होने दूंगा। सुन लिया हन्ना, दगा और फरेब के जिस नापाक पुतले पर तू अपनी जान दे रही थी उसे पाक होने से इनकार है। मुझे इनकार है इस नापाक तिजारत से, मोहब्बत के इस झूठे इम्तिहान से जो मजहब की कसौटी पे लिया जा रहा है। दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से फरेबी रोमन, अगर तू जिंदगी चाहता है तो आइंदा मेरे घर की दहलीज पर अपने मनुष्य कदम रखने की कोशिश न करना। मोहब्बत के इस धारे को आप नहीं रोक सकते मेरे अनजान बुजुर्ग, ये मजहब की खोखली दीवारों को तोड़ कर निकल जाएगा। आओ हन्ना, अपनी मोहब्बत की जिंदगी को इस तरह बर्बाद नहीं होने देंगे। हन्ना ये धोखा है। आओ मेरे साथ हन्ना। बेटी ये जहरीला नाग अपनी परेबी आंखों से मासूम परिंदे को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। बेटी बाबा, बाबा, कुछ नहीं जाओ। शराब की मौजे में गम तो न डूब सका मार्कस, क्या खुद को डुबोने का इरादा है? क्या ये शराब तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचा देगी जिसके लिए तुम एक अरसे से तड़प रहे हो, जिसके लिए तुमने अपनी हालत बना रखी है? ठीक कहती हो ऑक्टेविया, मंजिल भी है और मैं उस तक पहुंचना भी चाहता हूँ, मगर ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारी मंजिल ऑक्टेविया नहीं, कोई और है। फिर तुम यहां क्यों? किसने रोका है तुम्हें? रोम ने और तुमने किया। मार्कस, मेरे हाथों से तुम अपना दामन छुड़ा सकते हो, लेकिन रोम कभी तुम्हारा दामन नहीं छुड़ेगा। ये ऐसी मशान लो, इसकी इज्जत, इसकी आबरू, इसका मुस्तकबिल तुम्हारे हाथ में। तुम रोम के होने वाले शहंशाह। ये शहंशाही मेरे अरमानों का मातम है, ऑक्टेविया। खून है, लेकिन फिर भी तुम्हें शहंशाह बनना होगा। अपने अरमानों के खून से अपने खानदानी फर्ज को सुरखुरु करना होगा। मार्कस, तुम रोम और रोम वालों के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। रोम को होने वाले शहंशाह की जरूरत है,
और वो तुम और होने वाली मलिका की भी जरूरत है, और तुम बेशक ये मेरे वतन की आरजू है और मैं रोम की आरजू को ठुकरा नहीं सकती। रोम रोम रोम, काश मेरी तमन्नाओं को रास्ता मिल जाता, न ये रोम होता, न ये आलीशान महल और न ही बादशाहत का ये खौफनाक धंधा जिसकी गिरफ्त से मेरा दम घुट रहा है। बस इस कैद और इन खोखली बंदिशों से दूर किसी पहाड़ी की एक वादी में किसी चश्मे के किनारे एक झोपड़ा होता और मैं और वो जिसने तुम्हें मुझसे छीन लिया। मार्कस, काबो ख्याल की वीरानों में ठोकरें न खाओ। हकीकत का पहाड़ तुम्हारे सामने, तुम्हें मुझे अपनी मलिका बनाना होगा, सिर्फ मलिका, जाने तमन्ना नहीं। ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ मार्कस, तुम मेरे कभी नहीं हो सकते, मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया है। लेकिन फिर भी हमें अपने होठों पर छोटी मुस्कुराहट लानी होगी, हमें यह जाहिर करना होगा कि हमारे दिल एक दूसरे की मोहब्बत से भरे हुए, अपने लिए नहीं मार्कस, अपने वतन के लिए, अपने फर्ज के लिए। जबान पर खामोशी की मुहर तो लग सकती है ऑक्टेविया, लेकिन दिल की धड़कने तो नहीं छुप सकती। इस आग के शोले तो दब सकते हैं, लेकिन इसका धुआं तो नहीं छुप सकता। मार्कस, तुम शाहजा देखो, तुम्हारे पांव में फर्ज की पेड़ियां पड़ी हुई हैं जिन्हें तुम कभी नहीं तोड़ सकते। तुम कैदी हो और तुम्हें यह कैद काटनी होगी, चाहे हंस के काटे या रोके। फर्ज, मोहब्बत, रोम, मार्का, अपना फर्ज मत भूल। मार्कस, हसीन चेहरे मिट जाते हैं लेकिन हसीन काम हमेशा जिंदा रहते हैं। मार्कस, हमारी शानदार तारीख को दागदार ना बना, एक यहूदन हमारी इज्जतों की कीमत नहीं। मार्कस, मोहब्बत ने हमारे दिल पर भी तीर चलाए थे लेकिन हमने उस खूबसूरत बला को जहर दे दिया जो हमें अपना फर्ज भुला देना चाहती थी। मार्कस, अपना फर्ज मत भूल। रोम की बेदार तारीख को दागदार ना बना, हमारे खून को बदनाम ना कर, अपनी खानदानी इज्जत को बर्बाद ना कर, हमारी रूहों को शर्मिंदा ना कर। मार्कस, 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 रोम की बेशुमार रियायत तुम्हारा फैसला सुनने के लिए बेचैन। लेकिन आला हजरत, हम इनकार सुनने नहीं आए हैं मार्कस। रोम के लाखों इंसानों की तमन्नाएं तुम्हारी एक बचपन की रिक्त पर कुर्बान नहीं की जा सकती। हम ऐलान किए देते हैं कि शहजादे मार्कस की शादी शहजादी ऑक्टेविया के साथ कल दारुसल्तनत में धूमधाम से मनाई जाएगी। आई रे कैसे
कैसी जुदाई, आई रे ये कैसी जुदाई, आई रे ये कैसी जुदाई, आई रे ये कैसी जुदाई। इन बूढ़ी हड्डियों में आज भी जुल्म सितम सहने की ताकत बाकी है, मगर तेरी आंखों में मैं आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। बाबा। बेटा। मेरी गुड़िया का रंगीन चेहरा आंसुओं से ढलकर फीका हुआ जा रहा है, अब तो न रो बेटी। बहुत कोशिश की आंसुओं को रोकने की बाबा। इस खता का सजावार मैं हूं, मैंने तुझ पर यह जुल्म किया है। कल की खुशनुमा हवा आज का तूफान बन चुकी थी बेटा, फिर मैं बागबान होकर एक मासूम कली को कैसे उसके हवाले कर देता। खून के आंसू बहाने से भी पत्थर नरम नहीं होते, फिर क्यों तो संगल रोमन की याद में आंसू बहा रही है। अपने आंसू पोंछ डाल बेटा। इन्हें बहने तो बाबा, शायद इसी से दिल कुछ हल्का हो जाए। लेकिन इन आंसुओं से भीग कर मेरा दिल तो भारी हुआ जा रहा है, ये भी तूने सोचा है। बेटा, मैं इस दुनिया में चंद रोज का मेहमान हूं, अगर तू अपने बूढ़े बाप को कुछ दिनों के लिए और जिंदा देखना चाहती है तो इस गम की चादर को उतार कर फेंक दे। मुसीबतों का मुकाबला हिम्मत से किया जाता है, आंसुओं से नहीं। हिम्मत कहां से लाऊं बाबा, आंसू तो आप ही आप आते हैं। रोना तो हमें भी आता है बेटा, मगर हम मुस्कुरा कर कहते हैं, अरे खुदा तो जिस हाल में रखेगा खुश रहेंगे, तेरी खुशी में खुश तेरा खिदमत गुजार है, बंदा हूं तेरा तो मेरा परवरदिगार है। हाँ, खूब याद आया,
मैं अभी अभी शाही महल से आ रहा हूँ। वहाँ शहजादा मार्कस और शहजादी ऑक्टेविया की शादी बड़ी धूमधाम से होने वाली है। हमें भी बुलावा आया है, तो भी चलेगी ना बेटा? नहीं बाबा, खुशी के मौके पर बदनसीबों को नहीं ले जाते, बस शुगुन ही होते। ऐसा नहीं कहा करते है बेटी, चल अंदर चल। Thank you.
مقتدائے اعظم شادی کی مقدس رسمیں شروع فرمائی. میرے قریب آ بچوں. جب تک جہاں ہے رونق بزم جہاں رہو، دنیا میں با مراد رہو، شاد ماں رہو. مجھ پر ظلم ہوا ہے، میں انصاف چاہتی ہوں شہنشاہ. کون ہے یہ پاگل لڑکی؟ باہر نکال دو اس منحوس کو. نہیں اعلی حضرت نہیں. اگر رومن قانون امیر اور غریب کے لیے ایک ہے تو میری فریاد سنی جائے. رومن عدالت نے آج تک کسی فریادی کو نا امید نہیں کیا لڑکی، لیکن اس مبارک موقع پر دخل انداز ہو کر انصاف کی فریاد کرنے کا کیا مقصد؟ اعلی حضرت، اس مبارک موقع کے گزر جانے کے بعد مجھ بد نصیب کے لیے نہ تو انصاف کی گنجائش رہے گی اور نہ کوئی ضرورت. انصاف؟ نادان لڑکی، ظلم کے کارخانے سے انصاف کی امید؟ زہریلے سانپ زہر کے سوا کچھ نہیں اگلا کرتے. چل بیٹی، گھر چلے، انصاف مل چکا، رومن قانون شروع ہو چکا. خاموش بد زبان یہودی، ایسے مبارک دن ہمارے خیر و غضب کو نہ للکا. انصاف مانگنا ہے تو اس بارگاہ شہنشاہی میں ادب سے کام لے. یہودن، تیری فریاد بے موقع اور بے محل ہے، مگر ہم سنیں گے. انصاف ہوگا اور اسی وقت ہوگا. لیکن اعلی حضرت، یہ ہمارا حکم ہے. بول، کیا ہے تیری فریاد؟ کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ رومن قانون کی نظر میں اس شخص کی کیا وقت ہے جو ایک لڑکی کو محبت کے جھوٹے خواب دکھا کر اس سے آنکھیں پھیر لے؟ کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ رومن قانون کی نظر میں اس شخص کی کیا حیثیت ہے جو ایک لڑکی سے شادی کا وعدہ کر کے اسے رسوائی اور بدنامی کے غار میں دھکیل دے اور خود دوسری لڑکی سے شادی کرنے پر آمادہ ہو جائے؟ رومن قانون کی نظر میں ایسا شخص یقیناً مجرم ہے، اور انصاف کی نظر میں سزا کا مستحق. یہودن، ہم جاننا چاہتے ہیں وہ کون فریبی ہے جس نے تجھ پر یہ ظلم کیا. ولی عہد سلطنت، جسے دنیا شہزادہ مارکس کہتی ہے. بے ننگ و نام شریر لڑکی، تو اور خاندان شاہی. اعلی حضرت، اس کے چہرے اور ہونٹوں سے جھوٹ ٹپک رہا ہے. بے شک، اور تمہارے ان مذہبی ہوٹوں سے شرافت اور صداقت کی بارش ہو رہی ہے. ایک مذہبی پیشوا ہونے کی حیثیت سے آپ کا یہ فرض نہیں ہے کہ شاہی رائے اور انصاف کو فریادی کے خلاف بنائیں. افسوس، آج شاہ عادل کا انصاف بھی مظلوموں کا سرپرست ہونے کے بدلے ظالموں کا طرفدار ہو گیا. یہودی، ہمارا نظام اور ہماری حکومت کسی بدمست کی جاگیر نہیں جو ہوا کے ایک جھونکے سے اپنی طبیعت کا رخ بدل دے. مطمئن رہو، ہم اپنی ذمہ داریوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. مارکس، کیا یہودن کے لگائے ہوئے الزامات صحیح ہیں؟ جی ہاں، حرف بحرف. یک بہ یک یہ خاموشی کیسے چھا گئی؟ کیا انصاف کا طوفان ٹھنڈا ہو گیا؟ رومن عدالت کے دروازے بند ہو گئے؟ عادل سلطان، کیا بیٹے کی محبت اور فرض میں جنگ ہو رہی ہے؟ اعلی حضرت، ایک معمولی یہودن کی فریاد کو شاہی خاندان کی عزت کے ترازو پر نہیں تولا جا سکتا. قانون رعیت کے لیے ہے، بادشاہوں اور شہزادوں کے لیے نہیں. ڈوب مرو اس انصاف پر، آنسو بہاؤ اس قانون پر جو کمزوروں کے لیے تلوار کی دھار اور زبردست کے لیے باغ بہار ہے، جو اپنے لیے نغمہ ساز اور ہمارے لیے موت کی آواز ہے. یہودی، تمہارے ہی لیے پیدا ہوئے دنیا کے نظارے چمکتے ہیں تمہاری روشنی سے چاند و تارے. تمہارا غم ہے غم، اوروں کا غم خواب و کہانی ہے. تمہارا خون ہے خون، ہمارا خون پانی ہے.
انصاف کا تقاضا ہے کہ شادی کی یہ رسم روک دی جائے، شہزادے مارکس کو حراست میں لے لیا جائے اور میں ان یہودیوں کے ہماری عدالت میں پیش کیا جائے۔ اس مقدمے کا فیصلہ ہم خود کریں گے، لیکن رومن قانون کے مطابق شاہی خاندان کے مقدمے مذہبی عدالت میں فیصل ہوتے آئے ہیں، اور اسی قانون کی روح سے یہ مقدمہ بھی ہماری عدالت میں پیش ہونا چاہیے اعلی حضرت۔ ایسا ہی ہوگا مقتدی اعظم، ہم قانون کی توہین نہیں چاہتے، لیکن یہ مد نظر رہے کہ انصاف کی نظر میں بلند و پست چھوٹے بڑے سب برابر کی۔ ولی عہد سلطنت ہونے کی حیثیت سے شہزادے مارکس کے ساتھ کوئی رعایت نہ برتی جائے۔ جو اس وقت دل میں ہے اگر مل جائے تو کتنا اچھا۔ کیا ہے دل میں؟ ایک چھوٹی سی گڑیا چاند جیسی۔ تمہاری محبت میری رگ رگ میں سما چکی ہے، میں اس زندگی کو تمہارے قدموں کو ختم کر دوں گا، زندگی کی آخری سانس تک میرے ہونٹوں پر تمہارا ہی نام رہے گا۔ انا شہزادی آپ؟ ہاں میں رحم کی بھیک مانگنے آئی ہوں، میری مجبوری کا مذاق کیوں اڑاتی ہو؟ ایک غریب یہودن روم کی شہزادی کو کیا دے سکتی ہے؟ آج تیرے ہاتھوں میں سب کچھ ہے، مارکس کے مستقبل کا فیصلہ تیرے ایک اشارے کا منتظر ہے، تو آپ اپنی محبت کو کامیاب بنانے کے لیے کسی بے کس کا سہارا لینے آئی ہوں؟ مجھے اپنا مخالف نہ سمجھنا، میں بھی ایک عورت ہوں، تیرے دل کے درد کو جانتی ہوں، مگر اپنا غریبان بھول کر تم میرا دامن سینے کیوں آئی ہو؟ محبت ہی محبت کی تڑپ کو پہچانتی ہے انا، میں بھی محبت کی ٹھکرائی ہوئی ہوں، فرق صرف اتنا ہے تیری محبت کامیاب ہے اور میری ناکام۔ حسین لفظوں سے دل نہیں بہلتا شہزادی، اگر تمہارے سینے میں عورت کا دل ہوتا تو آج مجبور محبت کا مزار حسرت کے آنسوؤں سے گیلا نہ ہوتا۔ تم نے محبت کی عصمت لوٹی ہے، تم نے میرے دل پر ڈھاکہ ڈالا ہے، چلے جاؤ یہاں سے، خدا کے لیے چلے جاؤ یہاں سے، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دے۔ میں جا رہی ہوں، لیکن اتنا سن لے، کل تیری ہی فریاد پر تیرا محبوب سزائے موت کا شکار ہوگا۔ سزائے موت؟ شہزادہ مارکس، ہم اس وقت انصاف کے مسند پر ہیں، ہمارا فرض ہے کہ ایک بار پھر یہ بات تمہارے ذہن نشین کرا دیں کہ تمہارے اقرار و انکار پر نہ صرف تمہاری زندگی بلکہ روم کی حکومت اس کے مستقبل کا دار و مدار ہے۔ اس انصاف کی عدالت میں ہم تمہیں ایک اور موقع دیتے ہیں، ہم تم سے ایک بار پھر پوچھتے ہیں کہ یہودی اس کی بیٹی کے لگائے ہوئے الزامات کیا درست ہیں؟ میں بار بار اپنا بیان دہرا کر عدالت کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، یہودی اور اس کی بیٹی کے لگائے ہوئے الزامات درست ہیں۔ نہیں اعلی حضرت، میں کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں۔ خوفناک ناگن، ابھی کچھ اور زہر اگلنا چاہتی ہے؟ اعلی حضرت،
شہزادہ بے قصور ہے ہنہ میں شہزادے پہ لگائے ہوئے الزامات واپس لیتی ہوں مجرم کو پہچاننے میں مجھ سے غلطی ہوئی یہی شکل یہی صورت یہی لباس سب کچھ یہی مگر وہ یہ نہیں تھے شہزادے نے مجھے رسوا نہیں کیا اعلی حضرت یہ جھوٹ بول رہی ہے یہ مجھ پر رحم کھا کر روم کے تخت کو اپنے احسان کے بوجھ سے دبانا چاہتی خاموش مارکس ہاں تو اصلی مجرم کا حلیہ شہزادے مارکس سے ملتا جلتا تھا جی اعلی حضرت اور اسی لیے تو نے اپنی اوقات کو بھول کر روم کے ولی عہد سلطنت کو مجرم قرار دے دیا جی اعلی حضرت اور کل شادی کی محفل میں گلا پھاڑ پھاڑ کر چلانے والا یہودی آج خاموش کیوں ہے نہ چھیڑ اب مجھ کو رہنے دے یہی تک داستان میری کہوں گا سچ تو جل جائے گا دل تیرا زبان میری قسم کھاتا ہوں میں اپنی مجبور حسرتوں کی کہ اس سینے سے باہر آنے کے لیے اتنی چنگاریاں تڑپ رہی ہیں جو سارے روم کو جلا کر سیاہ اور خاک کر دینے کے لیے کافی ہے لیکن نہیں میں اس کا دل نہیں توڑ سکتا آج میرے ہی کلیجے نے میری زبان کو جکڑ لیا ہے تقدیر کا ہر فیصلہ مجھے منظور ہے یہاں تک کہ تیری جھوٹی عدالت کا بھی حکم ماننے کے لیے میں تیار ہوں ہماری عدالت کا حکم مانا نہیں منوایا جاتا ہے حضرہ شہزادہ مارکس کو باعزت و آبرو رہا کیا جاتا ہے اور ہنہ تو نے اپنی حیثیت کو بھول کر روم کے ہونے والے شہزادے پر جھوٹا الزام لگایا انہیں سارے محفل ذلیل اور رسوا کیا اور تیرے باپ عزرا یہودی نے تیرے جرم میں تیرا ساتھ دیا لہذا تم دونوں کو شاہی خاندان کی عزت اور آبرو کا دشمن قرار دیتے ہوئے تیل کے کھولتے ہوئے کڑاؤں میں ڈال دیے جانے کا حکم دیا جاتا ہے آپ نے کیا کیا اعلی حضرت وہ بے گناہ ہے اس نے اپنے دل اور اندھی محبت سے مجبور ہو کر عدالت کو دھوکا دیا مقدمے شہادت و ثبوت تو فیصل ہوتے ہیں نہ کہ تقریر اور جذبات پر مگر کسی بے گناہ کو زندہ جلا دینا کہاں کا انصاف ہے میں آپ سے التجا کرتا ہوں اعلی حضرت رومن انصاف کے مقدس دامن کو ایک معصوم کے خون سے داغدار نہ ہونے دیں اپنے فیصلے پر پھر سے غور کریں قانون کی اٹھی ہوئی تلوار کسی کے التجاؤں پر غور نہیں کرتی یہ ہمارا آخری فیصلہ ہے شہزادے یہودیوں کو ان کے گناہوں کی سزا ملنی چاہیے تو کیا تمہارے قانون نے مذہبی جامع پہن رکھا ہے کیا تمہارا انصاف نفرت اور حقارت کی بنیاد پہ کھڑا ہے مارکس تمہارے الفاظ سے بغاوت کی بو آ رہی ہے تم شاید بھول گئے کہ کس سے باتیں کر رہے ہو تم جوش میں آ کر اپنے ہوش و حواس بھی کھو بیٹھے ہو ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا ہر انسان کا فرض ہے تم بے قصوں کی آواز کو نہیں دبا سکتے یہ ایک زلزلے اور طوفان کی طرح دنیا کے کونے کونے سے اٹھے گی اور ظلم اور تعصب کی نیو پر کھڑے ہوئے تمہارے ان شاہی محلات کی اینٹ سے اینٹ آواز مارکس تمہاری بدلگام زبان ہماری شان اور ہماری عظمت کو للکار ہے میں اس زبان سے اعلان کر رہا ہوں اس انقلاب کا جو لاکھوں انسانوں کے ساتھ ساتھ میرے سینے میں بھی کروٹیں لے رہا ہے اس انقلاب سے بچو بروٹس ورنہ وہ تمہارے اس ناپاک جسم کو مظلوموں کی ٹھوکروں کے حوالے کر دے گا سپاہیوں گرفتار کر لو باغی کو بغاوت کے جرم میں تمہیں صرف اتنی سزا دی جاتی ہے کہ کل تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری محبوبہ کو تیل کے کھولتے کڑاہ میں ڈال دیا جائے تاکہ تمہاری ہمت پست ہو جائے تمہاری دنیا میں بھی انقلاب آ جائے معاف کر دو تاکہ اسے رومن قانون سے بغاوت کا موقع ملے یہ توہین اعلی حضرت بروٹس کی نہیں آپ کی بھی رومن سلطنت کی توہین ہے مارکس نے جو کچھ بھی کیا یہ ان کی نادانی تھی اعلی حضرت جذبات نے چند لمحوں کے لیے انہیں پاگل بنا دیا تھا تو اسے اس پاگل پن کی سزا ملنا ہی چاہیے تاکہ آئندہ وہ ایسی حرکتوں سے باز رہے پھر بھی اعلی حضرت مارکس روم کے ولی عہد سلطنت ہے کیا قانون ان کی اس خطا کو نظر انداز نہیں کر سکتا یہ سلطنت روم کی ہے قانون رومن رعایا کا ہے اور اعلی حضرت بروٹس رومن عدل و انصاف کے رہنما ہم ان کے فیصلے میں مداخلت کرنا پسند نہیں کرتے اعلی حضرت ہم مجبور ہیں آپ کے لیے
सब्र से काम लो मेरे शहजादे। मेरी मोहब्बत मेरी जिंदगी रोम के हुक्मरानों की चौखट पर दम तोड़ रही है और मैं सब्र से काम लूं? नहीं एंटोनियो, ये नहीं होगा मुझसे। तुम नहीं जानते कि मैं जानता हूं मार्कस, मैं सब जानता हूं, लेकिन इस वक्त मसलहत यह है कि तुम रोम के कानून और इंसाफ के सामने अपना सर तस्लीम खम कर दो। तुम जुल्म और संगदिली को इंसाफ कहते हो, बेबस और मासूम इंसानों की गर्दनों में पड़ी हुई जंजीरों को कानून कहते हो? मैं ऐसे कानून और इंसाफ के खिलाफ बगावत करना अपना फर्ज समझता हूं। जालिम ब्रूटस के खिलाफ मैं सारे रोम को खड़ा कर दूंगा। मैं उसके मनहूस मुंह पर से अदल इंसाफ का झूठा चेहरा नोच के फेंक दूंगा ताकि दुनिया उसकी असली और भयानक शक्ल देख सके। यकीनन मार्कस, यकीनन तुम ऐसा कर सकते हो, मगर यह ना भूलो कि तुम्हारे चारों तरफ रोम के सिपाहियों का पहरा है। तुम कैद में हो शहजादे, तुम कैद में हो। हाँ, तुम ठीक कहते हो एंटोनियो। मेरे चारों तरफ रोमन इंसाफ के पहरेदारों की तलवारें हैं। मैं मजबूर कर दिया गया हूं ताकि मेरी मासूम हन्ना पर बर्बादी के बादल जी खोल कर बरसें और मैं कुछ न कर सकूं। उसकी सहमी हुई चीखे फैशी दरिंदों के कहकहों में गुम हो जाए और मैं कुछ न कर सकूं। मैं नहीं जानता था एंटोनियो, मैं नहीं जानता था कि मोहब्बत करना इतना बड़ा जुर्म है और उसकी इतनी बड़ी सजा है। एंटोनियो, सुबह होने में भी थोड़ी देर है। एंटोनियो, मैं तुमसे एक मदद चाहता हूं। एंटोनियो तुम्हारे लिए जान भी दे सकता है मार्कस, मगर जरा सोचो, एक रोमन शहजादा एक अपना मामूली यहूदन के पीछे अपनी जबान को लगाम दो। एंटोनियो, मैं तुम्हारे मुंह से अपनी मोहब्बत की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। तुम्हारी अनजान नजर मेरी मोहब्बत को नहीं पहचान सकती। तुम मेरे टूटे हुए दिल की पुकार को न सुन सकते हो न समझ सकते हो एंटोनियो। शहजादे, एंटोनियो मैं पागल हो जाऊंगा। एंटोनियो, मैं अन्ना को मौत के आगोश में नहीं देख सकता, कभी नहीं देख सकता। एंटोनियो तुम्हारे किस काम आ सकता है, हुक्म दो। मैं हुक्म देने के काबिल ही नहीं रहा एंटोनियो। तुमसे एक इल्तिजा करता हूं मेरे दोस्त, मुझे थोड़ा सा जहर ला दो। जहर? हाँ एंटोनियो, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश। मार्कस, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, दुश्मन नहीं। मुझसे मेरी जान मांग लो, मगर कोई ऐसी चीज ना मांगो जो मैं नहीं दे सकता। बेवफा दोस्त, जाओ, मुझे तुम्हारी भी जरूरत नहीं। मैं तुम्हारा एहसान उठाए बगैर इस सांप को ठंडा कर लूंगा। याद रखो एंटोनियो, जान देने वालों को हर तरह जान देनी आती। मार्कस, 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 दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो मार्कस, मार्कस, शहजादे दरवाजा खोलो, मैं कहता हूं दरवाजा खोलो मार्कस, मार्कस दरवाजा खोलो, मार्कस, मार्कस, तुम्हें दोस्त के लिए खत्म, दरवाजा खोल दो, मार्कस, शहजादे दरवाजा खोलो, मैं कहता हूं दरवाजा खोलो मार्कस, मार्कस दरवाजा खोलो, मार्कस खोल दो, भाई मैं दरवाजे को तोड़ डालूंगा मार्कस, 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 मेरे दोस्त, तुम्हें दोस्ती की कसम दरवाजा खोल दो, तुम्हें अपनी मोहब्बत की कसम दरवाजा खोल दो, तुम्हें हन्ना की कसम मार्कस, हन्ना की कसम मार्कस खोल दो, मैं इस दरवाजे को तोड़ डालूंगा मार्कस, मार्कस खोल। मार्कस, तुम्हारी आंखें, मैंने हन्ना को अपनी आंखों के महफूज पर्दों में हमेशा के लिए छुपा लिया है एंटोनियो, अब उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मार्कस, एंटोनियो, एंटोनियो, इंसानी जिस्म में ढले हुए ये पत्थर के इंसान अब इनके जुल्म सितम देखने पर मुझे कोई मजबूर नहीं कर सकता। एंटोनियो, ये अंधे मुझे अंधा कहेंगे ना, कहने दो। नहीं मार्कस, नहीं, अब मैं नहीं सुन सकता। एंटोनियो, एंटोनियो, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। एंटोनियो, बस एक मार्कस, बस एक बार मुझे हन्ना के पास ले चलो एंटोनियो, सिर्फ एक बार मैं उसकी आवाज सुनना चाहता हूं।
इस दुश्वार जिंदगी को काटने के लिए मुझे इतना ही सहारा बहुत मिलता। यहूदियों, कढ़ाव में खौलता हुआ तेल तुम्हें अपने आगोश में लेने के लिए मचल रहा है। आवाज दो अपने खुदा को कि अब आके तुम्हें इस तेल में पिघलने से बचाए। ब्रूटस, मैं मौत से नहीं डरता। बुढ़ापे से ढलती हुई शाम के चंद लम्हे बाकी है, लेकिन इस मासूम की तरफ देख जिसने जिंदगी की 20 बहारें भी नहीं देखी। मैं तुम दोनों को एक शर्त पर छोड़ सकता हूं, तुम दोनों रोमन मजहब कबूल कर लो। कुफर से डर कर गुलिस्तान नहीं बेचूंगा, जान दे दूंगा पर ईमान नहीं बेचूंगा। ब्रूटस, तेरे जुल्म की दहकती हुई भट्टी में हमारी हड्डियां गल सकती हैं, मगर हमारे ईमान का फौलाद नहीं पिघल सकता। सिपाहियों, मुंह क्या देख रहे हो, फेंक दो इन दोनों को कढ़ाव में। आला हजरत, कसूर मेरा है, मेरी जान ले लीजिए, लेकिन मेरे बाबा को छोड़ दीजिए। मैं अपने सामने अपने बाबा को मरते नहीं देख सकती। आला अन्ना, चल। ठहरो, हम इस लड़की पर रहम करना चाहते हैं। पहले लड़की को जलाओ ताकि मनहूस बूढ़े को जलते ना देख सके। नहीं नहीं ब्रूटस, मैं अपनी बेटी को तड़प तड़प कर मरते नहीं देख सकता। इस खौफनाक नजारे को दिखाने से पहले मुझे मार डाल जालिम, लेकिन इस पर रहम कर। ले जाओ। नहीं ब्रूटस, रहम, खुदा के लिए रहम। रहम? है ये वो लफ्ज जो शर्मिंदा मानी न हुआ। बेदर्द रोमन, खुदा के कहर से तो डर। क्या तुझे औलाद का गम नहीं मालूम? क्या तू भूल गया कि तेरी भी एक बेटी थी जिसे कोई तेरी गोद से उठाकर ले गया था? तुझे कैसे मालूम? मुझे कैसे मालूम? मुझे यह भी मालूम है कि लीडिया मरी नहीं, आज भी जिंदा है। लीडिया, मेरी बच्ची जिंदा है? नहीं नहीं, तू मुझसे इंतकाम ले रहा है, तू मुझसे झूठ बोल रहा है। फिर झूठी समझ ले। चल बेटी चल। क्या तू जानता है मेरी बच्ची कहां है? जरूर जानता हूं, लेकिन बताऊंगा नहीं। नहीं बताएगा? मैं तुझे वो सजा दूंगा, तुझ पर वो जुल्म तोड़ूंगा जिससे जमीन का कलेजा कांप उठे, आसमान दहल जाए। फिर वो भी करके देख ले, देरी क्या है। नहीं नहीं अच्छा, खुदा के लिए बता दे अजरा। नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा? नहीं नहीं नहीं। अजरा, ये सर जो कभी बादशाह रोम के सामने भी नहीं झुका, आज मैं तेरे सामने झुकाता हूं। रहम कर अजरा, रहम कर, रहम कर। रहम? आज पहला दिन है जब ये लफ्ज तुम्हारी जबान से निकला। अब मालूम हुआ होगा कि रहम की जरूरत हम मजलूम यहूदियों को ही नहीं, जालिम रोमनों को भी हुआ करती है। लेकिन एक मुफलिस और कंगाल यहूदी के पास रहम कहां से आया? जा अपने बेदर्द कानून से मांग, अपनी जालिम कौम से तरप कर, जिसको दोहराऊं सबक ही ऐसा सिखलाया नहीं। क्यों खाऊं रहम जब तूने रहम खाया नहीं? अजरा, अजरा, मेरी हालत पे रहम खा। बता दे खुदा के लिए मेरी लीठिया कहां है? मुझे तेरी ज़ईफ़ी पर तरस आता है। मैं बता सकता हूं मगर एक शर्त पर। मंजूर है, मुझे बकाया सुनी मंजूर। पहले मेरी शर्त सुन ले। जब मैं तुझे ये राज बता दूं तो मेरे हाथ का इशारा पाते ही हंजा को तेल के कड़ाह में फेंक दिया जाए। मंजूर है। चिपाइयों, ले जाओ लड़की को और अजरा के शायर का इंतजार करो। जाओ, ले जाओ। अब बता दे, बता दे। अच्छा तो सुन, आज 15 बरस हुए कि तूने मेरे बेकसूर बेटे इलिया को शेरों के हवाले कर दिया था। इस तेरे जुल्म को देखकर मेरे मुलाजिम मैन्युअल ने इंतकाम की कसम खाई और उसी इंतकाम की आग को बुझाने के लिए वो तेरी बेटी लीडिया को चुरा कर ले आया। लेकिन मेरे मजहब और ईमान ने मुझे ये इजाजत न दी कि
کہ باپ کے گناہوں کی سزا بے قصور بیٹی کو دی جائے۔ رحم دل میں جاگ اٹھا، بھولا ہر ایک بیداد کو، اپنے بچے کی طرح پالا تیری اولاد کو۔ تو نے پالا، تو نے رحم کیا۔ ہاں، ایک یہودی نے جو تمہاری نظروں میں پیدائشی گناہگار ہے۔ لیکن وہ ہے کہاں؟ کہاں ہے؟ ادھر دیکھ۔ لیجیا، میری بچی۔ خبردار، ادھر کہاں چلا؟ سپاہیو، پھینک دو اسے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا اس لیے کہ اب یہ میری نہیں تیری بیٹی ہے؟ جب تک یہ میری بیٹی تھی تو اسے زندہ جلانے پر آمادہ تھا، اور جب معلوم ہو گیا کہ یہ تیری بیٹی ہے تو اسے گلے لگانے کے لیے مچل رہا ہے۔ لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا، تجھے اپنا وعدہ پورا کرنا پڑے گا۔ جلا دو، پھینک دو اسے۔ انا، بابا، بابا مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، بابا مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، تمہارے اندر کا دنیا میں اور کوئی نہیں ہے بابا، کوئی نہیں۔ مت رو، مت رو بیٹی۔ بیٹی، میں تیری آنکھوں میں آنسو نہیں برداشت کر سکتا۔ آ، آ جانے پدر، ایک بار اپنے باپ کے سینے سے لگ جا۔ تمہاری آواز میں زہر ہے، تمہاری سانسوں سے انسانی لاشوں کی بدبو آ رہی ہے۔ بیٹی، بیٹی، میں یقیناً گناہگار ہوں، لیکن میرے سینے میں بھی ایک باپ کا دل ہے۔ ایک بار، صرف ایک بار ان معصوم ہونٹوں سے مجھے بابا کہہ کر پکار لے لیڈیا۔ لیڈیا مر چکی ہے، میں ہنا ہوں۔ بیٹی، لیڈیا، لیڈیا واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ۔ تمہارے گناہ واپس آئیں گے، ان کی سزا تمہیں ملے گی، لیکن میں اس نفرت اور غارت گری کی دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ۔ بیٹی، لیڈیا، لیڈیا، دیوانہ پن ہے یا محبت کا سرو، نہ پہچانے تو ہے یہ تیری نظروں کا قصور، یہ میرا دیوانہ پن ہے۔ اب میرے پاس کچھ نہیں رہا، اس بے جان لاش پر رحم کھاؤ شہزادے، اور اسے تنہا چھوڑ دو تاکہ یہ اپنے لیے زمین میں کوئی کونا ڈھونڈ لے اور اس میں سما جائے۔ نہیں انا، نہیں۔ دیکھو، میں ہاتھ جوڑ کر اپنی شکست کا اعتراف کرتی ہوں۔ میں مانتی ہوں کہ تمہارے ظلم کامیاب رہے، میں مانتی ہوں کہ میرے ارمانوں نے دم توڑ دیا، میرے خواب جل کر راکھ ہو گئے، لیکن ایک بے قصد پر اپنی ساری طاقت نہ آزماؤ شہزادی، چلے جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ۔ مجبوریوں نے میری محبت کو قتل کر دیا، اپنے بے رحم ہاتھوں سے دل کے روشن چراغ بجھا دیا۔ یہ بھیانک اندھیرا، یہ لمبا سفر، اس میں میرا کوئی رہبر نہیں، مجھے اس دشوار راستے کی ٹھوکر نہ پہنچا دے۔ تمہاری آنکھیں، یہ تم نے کیا کر لیا؟ اپنے گناہوں کی سزا پائی، تمہارے معصوم معصوم کی قیمت ادا کی، پھر بھی سکون نہیں ملا۔ منشا، مجھے معاف کر دو منشا، مجھے اپنی محبت کے سائے میں واپس لے لو، مجھے اپنی بہو میں سمیٹ لو۔ ویرانوں میں چراغ روشن ہو گئے، ہنا میں دیکھ رہا ہوں
दूर उफक पर नई सुबह के नूर की पहली किरण। ओ मंशा, बढ़कर इन मुबारक किरणों को छू ले, इस हसीन सवेरे को अपनी मोहब्बत का गवाह बना ले। दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूप, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूप, तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर, ये मेरा दीवानापन है।